दोस्तों, आज मैं आपके लिए ग्रामीण से शुरू होने वाले जितने भी शब्द हैं उन शब्दों की आपको आउटलाइन बना के बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक अवश्य देखें। बहुत ही अच्छे शब्द मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो अक्सर आपकी डिक्टेशनों में बार बार प्रयोग किए जाते हैं, और आपकी प्रैक्टिस कम होने की वजह से आप उन शब्दों को जानते हुए भी लिख नहीं पाते, गलतियाँ आपकी अधिक आती हैं। आगे से आपकी गलतियाँ कम से कम आएँ, स्पीड भी आपकी निरंतर बढ़े। यदि आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आपको उतनी कामयाबी नहीं मिल पा रही है जितनी कि आपको ज़रूरत है, और काफ़ी टाइम भी आप अपना दे रहे हैं, मेहनत भी काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इतनी सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासें हमारी सुबह और शाम दोनों समय चलती हैं। कैसे आपको ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन करनी है, इसके लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9756825983 पर कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप अभी उन शॉर्ट हैंड को सीखना चाह रहे हैं या सीख चुके हैं, आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, एपीएस की तैयारी कर रहे हैं, रिपोर्टर की, सभी के लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था है, तो आप ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं इन शब्दों को बना के बता रहा हूँ। सबसे पहला शब्द है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ध्यानपूर्वक देखें, देखिए ये है ग्रा, ये मीन विकास, और ये मंत्रालय, ये हो गया ग्रामीण विकास मंत्रालय। या बनाएंगे या का आंकड़ा है। इसके बाद में है ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। इस प्रकार से बनाएंगे ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ये हो गया ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। जा का आंकड़ा है। इसके बाद में है ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये हो गया ग्रामीण विकास कार्यक्रम। आगे है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ग्रामीण इस तरह से बनाएंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। इसके बाद में है ग्रामीण विकास विभाग। ग्रामीण विकास और ये विभाग, ग्रामीण ये विकास और ये विभाग। इसके बाद में है ग्रामीण जनता। ग्रामीण और ये जनता, इस तरह से बनाएंगे ग्रामीण जनता। आगे है ग्रामीण जीवन स्तर। इस प्रकार से बनाएंगे ग्रामीण जीवन स्तर, ग्रामीण ये जीवन का सबचिन्ह और ये स्तर। आगे है ग्रामीण विकास केंद्र। ग्रामीण विकास ये केंद्र, बड़ा कर देंगे, डबल कर देंगे इसको, ये हो गया ग्रामीण, ये विकास और ये केंद्र। इसके बाद में है ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र। ग्रामीण स्वास्थ्य का शब्दचिन्ह और ये केंद्र, ग्रामीण स्वास्थ्य और ये केंद्र। आगे है ग्रामीण विकास। ग्रामीण और ये विकास, इसके बाद में है ग्रामीण मजदूर। ग्रामीण और ये मजदूर, डबल कर देंगे इसको, ये हो गया ग्रामीण मजदूर। आगे है ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण और ये क्षेत्र, ये हो गया ग्रामीण क्षेत्र। इसके बाद में है ग्रामीण जीवन। ग्रामीण और ये जीवन का शब्द चिन्ह, ये हो गया ग्रामीण जीवन। इसी प्रकार से आगे शब्द है ग्रामीण रहन सहन।
ग्रामीण रहन सहन, ये हो गया ग्रामीण रहन सहन। इसी प्रकार से आगे है ग्रामीण अंचल, ग्रामीण अन और ये चल, ये हो गया ग्रामीण, ये अन और ये चल, चा में ला को मिला देंगे, ये हो गया ग्रामीण अंचल। इसी प्रकार से आगे है ग्रामीण विकास योजना, ग्रामीण विकास योजना, ये हो गया ग्रामीण, ये विकास और ये योजना। आगे शब्द है ग्रामीण किसान, ग्रामीण किसान, ये हो गया ग्रामीण, ये किसान। लास्ट में है ग्रामीण शिक्षा विभाग, ग्रामीण शिक्षा विभाग, ग्रामीण ये शिक्षा और ये विभाग। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइन बना के बताई हैं। इन आउटलाइनों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, जितना आप अधिक आउटलाइनों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, और आपको शॉर्ट हैंड के साथ साथ हिंदी ग्रामर की भी प्रैक्टिस करते रहना है। हिंदी ग्रामर की ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। अक्सर विद्यार्थियों की हिंदी की गलतियाँ काफ़ी आती हैं शॉर्ट हैंड के साथ साथ, शॉर्ट हैंड तो लिख लेते हैं लेकिन उसको ट्रांसलेट करने में बहुत दिक्कत आती है। तो आपको शुरू से अपनी आउटलाइनों को एकदम बना के अच्छे से चलना है, आउटलाइनों पर विशेष ध्यान देना है। शुरू से ही आपकी आउटलाइनें एकदम से सही दिशा में बननी चाहिए, सही क्रम में लिखी हुई होनी चाहिए, न ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए न ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। यदि आप शुरू में अपनी आउटलाइनों को सुधार लेते हैं तो आगे आपको शॉर्ट हैंड लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बुक को एकदम कंप्लीट कीजिए, आधी अधूरी बुक को बीच में छोड़ करके ही आप डिक्टेशन न लिखना प्रारंभ कर दें। आपको बुक को भी साथ साथ पूरा करना है, जब आपकी बुक कंप्लीट हो जाए तभी आप अच्छे से डिक्टेशन को लिख पाएंगे। ये डिक्टेशन लिखने का सही तरीका है, बुक को पहले कंप्लीट करें उसके बाद में आप डिक्टेशन लिखें, फिर डिक्टेशन में दिए गए जितने भी कठिन शब्द हैं पहले उनकी आउटलाइनें बनाएं, उसके बाद डिक्टेशन की प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। जितना आप अधिक डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी जो स्पीड है वह निरंतर बढ़ती जाएगी। और इसके साथ ही आपको टाइपिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग की भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये परीक्षा जो शॉर्ट हैंड का जो एक सर्किल है वो पूरा टाइप और आपकी हिंदी और एक शॉर्ट हैंड तीनों को मिलाकर के बनता है। तो इसलिए आपको शॉर्ट हैंड के साथ साथ हिंदी की भी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, हिंदी ग्रामर का डेली अध्ययन करना है, कहाँ पे आपको बिंदियाँ लगानी है, कहाँ पे मात्राएँ लगानी है, इनका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। और आपको टाइपिंग की भी डेली प्रैक्टिस करनी है, अच्छी स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड को लिखना है और शॉर्ट हैंड को हमेशा लिख करके ही ट्रांसलेट करना है। बोलने के साथ साथ आपको लिख करके ज़रूर ट्रांसलेट करना होगा, जिससे कि आपको अपनी जो गलतियाँ हैं उनके बारे में जानकारी हो जाएगी। तो इस प्रकार से यदि आप शॉर्ट हैंड की तैयारी करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। यदि इसके बाद भी आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस सुबह और शाम दोनों समय चलती हैं। कैसे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है इसके लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9756825983 पर आप कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।